पंजाब की सियासत में खड़ा हुआ सियासी बवंडर भले ही अपना शेप की ओर बढ़ता हुआ लग रहा हो, लेकिन यहां अभी कई और सियासी झोंके आना बाकी है। नवजोत सिंह सिद्धू का दो दिन से दिल्ली में डेरा डालना सफल रहा। सियासी गलियारों में सिद्धू को बड़ी जिम्मेदारी देने की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। चर्चाएं हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का को पायलट बनना मंजूर कर लिया है। इस बीच आज मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी अपनी ताकत का एहसास करवाने जा रहे हैं। दरअसल बुधवार के दिन पंजाब से लेकर दिल्ली तक सियासी हलकों में गहमा गहमी बढ़ी रही। सिद्धू ने बुधवार को दिल्ली में पहले प्रियंका गांधी और फिर राहुल गांधी से मुलाकात की। बुधवार शाम को राहुल गांधी से मिलने के बाद ये माना जा रहा है कि सिद्धू की बातों पर पार्टी ने गौर किया है और उनकी नाराजगी दूर हो गई है। सियासी हलकों में चर्चाएं हैं कि कांग्रेस में सिद्धू को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। प्रियंका के साथ बातचीत के बाद सिद्धू इस पर राजी हो गए हैं। कांग्रेस जल्द इसका ऐलान कर सकती है। खबरों के मुताबिक पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी सूत्रों का कहना है कि अगर पार्टी आलाकमान चाहे तो कैप्टन नवजोत सिंह सिद्धू को उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए मंजूरी दे सकते हैं। यानी जल्द ही सिद्धू पंजाब में कोपायलट की भूमिका में दिखाई देंगे। हालांकि पंजाब कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने साफ कर दिया है कि उन्हें सिद्धू प्रदेश कांग्रेस के चीफ के रूप में स्वीकार नहीं है। दिल्ली में चल रही सियासी हलचलों के बीच मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी सक्रिय हो गए हैं। कैप्टन ने जवाबी रणनीति बनाने के लिए लंच डिप्लोमेसी का कार्ड खेला है। उन्होंने पंजाब कांग्रेस में अपने समर्थक नेताओं और विधायकों को आज लंच पर आमंत्रित किया है। माना जा रहा है कि इस लंच कार्यक्रम के जरिए कैप्टन अपनी सियासी ताकत दिखाने के साथ ही भावी रणनीति पर भी चर्चा करेंगे। बहरहाल पंजाब कांग्रेस में तनातनी जारी है। सिद्धू और कैप्टन के बीच चल रही खींचतान को सुलझाने में कांग्रेस के आलाकमान जुटे हैं। इसी बीच आज कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस के कई नेताओं को लंच पर बुलाया है। ऐसे में देखना होगा कि पंजाब में चल रही सियासी खींचतान कब खत्म होती है और इसका क्या परिणाम निकलता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।